दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। हाय गाइस, मेरा नाम मनाना है। दोस्तों आज की इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो एडिटिंग करने का शौक है या आप यूट्यूब चैनल पर काम करना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको इसके लिए जो है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ऑनलाइन खरीदना पड़ता है और इसमें आपको जो है काफी पैसे चुकाना पड़ता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप जो है बिना पैसे खर्च किए हुए जो है आप लाइफ टाइम के लिए वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, उसे एक्टिवेट कर सकते हैं, उसे आप जो है यूज कर सकते हैं। आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आप वीडियो के साथ बने रहे हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ आप किस तरह से जो है सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों सामने जो सेटअप देख रहे हैं ये विंडोज मूवी मेकर का जो है सेटअप है और इस सेटअप को जो है आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं बोला जब भी आप इसे इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में तो आपको अपने कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करके जो है तब इंस्टॉल करना है, ठीक है। बिना इंटरनेट के आपको इंस्टॉल नहीं करना है इसे, क्योंकि जब आप इंटरनेट कनेक्ट करके इंस्टॉल करेंगे तो ये इंस्टॉल होने के साथ साथ इसमें जो कुछ जरूरी फाइल होगी वो ऑटोमेटिकली इंटरनेट से जो ऑटोमेटिकली जो इसमें आपके कंप्यूटर में डाउनलोड करके ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको इंटरनेट कनेक्ट करके इसे इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में, ठीक है। और जब इंटरनेट कनेक्ट करके आप इसे इंस्टॉल करेंगे कुछ इस तरह से, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसे इंस्टॉल करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको इस तरह से इंस्टॉल कर लेना है, सेटअप को राइट क्लिक करना है, ओपन करना है और नेक्स्ट करते चले जाना है और ये जो सेटअप जो है आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेटअप इंस्टॉल हो चुका। चलिए इसे हम फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद ये ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा और उसके बाद आपके डेस्कटॉप पर जो है ये जो विंडोज मूवी मेकर आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका आइकन यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब इसे आप ओपन करेंगे तो आप कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बाय नाउ पे क्लिक करके आप इसे खरीद सकते हैं या तो आप रजिस्टर करें आपके पास अगर की है तो, या तो अगर आप लेटर पर क्लिक करेंगे तो ये जो है सेटअप जो है ये ऑटोमेटिकली इस तरह से कुछ आपको दिखेगा और ये ओपन हो जाएगा विंडोज मूवी मेकर। लेकिन इसमें आप वीडियो एडिटिंग करना अगर चाहेंगे तो ये वीडियो एडिटिंग आपको नहीं करेगा, क्योंकि जब भी आप सारा सेटिंग कर देंगे उसको सेटिंग करने के बाद वीडियो की जब आप इसे रिकॉर्ड करेंगे तो ये रिकॉर्ड नहीं करेगा क्योंकि ये एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको दिखा दूं, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो विंडोज मूवी मेकर इंस्टॉल किया मैंने अपने कंप्यूटर में और ये इंस्टॉल हो चुका है। और इसे एक्टिवेट करने के लिए मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इसे एक्टिवेट करना है। दोस्तों आपको करना है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ आप देख सकते हैं इसे हम ओपन कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे जो है रजिस्टर करने के लिए कह रहा है हमें, तो हमें इसे रजिस्टर करना नहीं है और इसे हमें जो है फ्री में जो है इसे एक्टिवेट करना है। और कैसे करना है तो चलिए मैं आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। इस सेटअप को पहले आपको डिलीट कर देना है। जो विंडोज मूवी मेकर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ था आइकन बना था उस आइकन को हमने डिलीट कर दिया और डिसाइक्लोपिन से भी डिलीट कर देना है। उसके बाद हमें चले जाना है प्रोग्राम फाइल में, सी प्रोग्राम फाइल में चले जाना है, ठीक है। उसके बाद मेरा यहाँ पे विंडो 10 जो है यहाँ पे इंस्टॉल है मेरे कंप्यूटर में, तो यहाँ पे जो है हम प्रोग्राम फाइल में नहीं जाएंगे, x86 में जाएंगे। और आपका अगर विंडो 7 होगा तो आप प्रोग्राम फाइल में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा विंडो 10 है तो चलिए हम यहाँ x86 पे क्लिक किए। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूँ यहाँ पे एक सेटअप होगा, यहाँ पे इंस्टॉल हुआ हमारा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सेटअप यहाँ पे इंस्टॉल है विंडोज मूवी मेकर। उसके बाद विंडो लाइव, ठीक है। तो हमें करना क्या है, विंडो लाइव में हमें क्लिक करना है, विंडो लाइव के फोल्डर को हमको ओपन करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे फोटो गैलरी वाला जो फोल्डर है, इस फोटो गैलरी वाले फोल्डर को हमें यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है। चलिए इस फोल्डर को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। उसके बाद चलिए मैं आपको दिखाते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो विंडोज मूवी मेकर का जो ये आइकन है यहाँ पे, इस आइकन को जो हम क्या करेंगे, इसे हम राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करने के बाद इस सेटअप को हम जो है अपने डेस्कटॉप पे इसे सेंड कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हम इसे अपने डेस्कटॉप पर यहाँ पे सेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं हमने अपने डेस्कटॉप पर सेंड किया इसे और हमारे डेस्कटॉप पर ये आ चुका है। अब इस सेटअप को हम यहाँ पे अगर ओपन करेंगे, चलिए मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इस सेटअप को हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं विंडोज मूवी मेकर को। और इस सेटअप को जैसे हम ओपन किए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई रजिस्ट्रेशन ये नहीं मांग रहा है, ठीक है। ये कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मांग रहा है और कोई एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे और नहीं कह रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो है ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे एक्टिवेट का जो प्रोसेस था वो खत्म हो चुका है। तो गाइस अब आप इस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को आप लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। और गाइस आप सवाल उठता है कि आप इस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करेंगे, कैसे इसमें आप वीडियो एडिट करेंगे। तो गाइस अगर आपको इसके बारे में जानना है और वीडियो एडिटिंग सीखना है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें जाके लिखें कि हाँ आपको इस वीडियो एडिटिंग के बारे में जानना है, इस वीडियो एडिटर के बारे में आपको सीखना है, तो हम जो है इसके लिए वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।